पेश है आज की खास खबर। अलीगढ़ में जन कल्याण समिति ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत एक परिवार को दिया रोजगार। खबर अब विस्तार से। जन कल्याण समिति ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत एक गरीब परिवार को रोजगार दिया। इस अवसर पर संस्था के सचिव इमरान खान ने कहा कि 6 माह पहले एक परिवार हमारे उप सचिव मुजफ्फर इकबाल के संपर्क में आया, जो कि बहुत ही जरूरतमंद था। घर में सिर्फ उनके दादा कमाने वाले थे, जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष थी और परिवार में 5 सदस्य हैं। वो चूरन बेचकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। संस्था ने वहां जाकर सर्वे किया तो उनकी मदद की गई। हर माह उनके घर राशन उपलब्ध कराया गया और अब प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उन्हें जनरल स्टोर की दुकान कराई गई। इस अवसर पर संस्था के उप सचिव मुजफ्फर इकबाल ने कहा कि हमारी संस्था ऐसे काम पिछले 8 सालों से करती आ रही है। इसी क्रम में इस परिवार की मदद की गई। इस अवसर पर परिवार के लोगों ने कहा कि जन कल्याण समिति लगातार हमारी मदद कर रही है। उन्होंने संस्था का शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर संस्था के कोषाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान ने उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जो संस्था को दान देते हैं। इस अवसर पर संस्था के सचिव इमरान खान, उप सचिव मुजफ्फर इकबाल, कोषाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान, फरमान खान, इमरान कसकर आदि लोग मौजूद रहे। ये हमारे जनकल्याण समिति एनजीओ के सेक्रेटरी जनाब इमरान साहब। इमरान साहब, आप किस काम के लिए आज यहाँ पर आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं? हम यहाँ पर एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवाने के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर सामान, और उस सामान को दुकान में लगवा रहे हैं, जिससे इन लोगों की मदद की जाए। क्या बताएंगे इस परिवार के बारे में? आपको कैसे खबर लगी, क्या हुआ था जो आपने फैसला लिया इनको दुकान खुलवाने के लिए? इनकी एक बच्ची जनरल कॉलेज के बाहर स्टूडेंट देख रही थी, उनकी आवाज़ हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब मुजफ्फर इकबाल साहब ने सुनी, और वहाँ से उन्हें पता चला कि यह फैमिली वाकई बहुत गरीब है और परेशान है, और हमारी संस्था भी गरीब और परेशान लोगों के लिए काम करती है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने इन लोगों को जनरल स्टोर की दुकान खुलवा कर ये काम किया। पर्चा ले लो, हमें अप्लाई किया था ना, ले लिया। सलाम आदाब, मैं मुजफ्फर इकबाल, जन कल्याण समिति एनजीओ का उप सचिव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हमारी संस्था जन कल्याण समिति लगातार गरीब मजबूर बेसहारा लोगों की मदद करती रहती है, और इस फैमिली के बारे में हमने पहले बताया था, ये एक परिवार है गली नंबर 1 जीवनगढ़ के अंदर, जो बहुत ही गरीब परिवार है और जिसमें एक बूढ़े बाप हैं, बेटियाँ हैं दो जो घर में बैठी हैं, उनकी एक बेटी की तलाक भी हो चुकी है, दो लड़के हैं जो दोनों बीमार हैं और बहुत ही मजबूर और परेशान हाल लोग हैं, जिनको कोई सहारा नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बूढ़े बाप हैं, वो चूरन वगैरह बेचकर वो गुजारा करते हैं। जब वो लड़की हमें मिली और उसने अपनी दास्तान हमें बताई, तो हमारी संस्था जन कल्याण समिति एनजीओ ने, एनजीओ के सभी लोगों ने हमने मीटिंग करी, और मीटिंग करने के बाद, अपने कार्यालय पर मीटिंग करने के बाद, हमने ये फैसला लिया कि हम इनको कोई छोटा सा कारोबार कराएंगे, कोई कारोबार कराएंगे, जिसको फिर फैसले में ये हुआ कि इनको कोई दुकान पर छुट्टी करा ली जाए, क्योंकि इनके घर में एक कमरा है, उस कमरे के अंदर वो कमरा जो है गली की तरफ खुलता है, तो उसमें दरवाज़ा है, तो उसी में हमने फैसला किया कि इनको एक दुकान खुलवा दी जाएगी। उसी के तहत आज जन कल्याण समिति उनकी दुकान के लिए सामान लेके आई है और आज उनको दुकान खुलवाई जा रही है। ये बुजुर्ग वालिद साहब हैं, उन बच्ची के बुजुर्ग वालिद साहब हैं जो ये हैं, इनको हम दुकान खुलवा रहे हैं। ये बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी फैमिली, जिनको इन फैमिली को पाल रहे हैं, इनके कंधों पर फैमिली का भार है, यही पूरी फैमिली को चला रहे हैं, और हम लोग मतलब ये कि अब इंशाल्लाह आप सबकी सहयोग से, जो भी हमें दान करते हैं उनके सहयोग से हम इस काम को कर रहे हैं। जो लोग आपकी संस्था का सहयोग करते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो ये काम किया है हमने, हम लोगों ने जो है ये दूसरे लोगों, जो हम लोग, हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद से जो है ये पॉसिबल हुआ है, वरना जो है ये हमारा जो है हमसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन सभी लोगों के जो है हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमारी संस्था को सपोर्ट किया, और जो है हमारी संस्था ऐसे ही आगे काम करती रहे। इसलिए लोगों से जो है दरख्वास्त है कि जो है हमारी संस्था को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।